بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلاس 8 एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2F क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 उसने कहा आइडेंटिफाई परफेक्ट क्यूब रूट्स हाउ कैन यू मेक देम परफेक्ट क्यूब इफ दे आर नॉट ठीक है जी तो हम क्या कैसे बनाएंगे ऐसे 729 है अब 729 है हम इसका जो है वो एलसीएम ले लेते हैं 729 तो 3 के टेबल से इसको कर लें 3 2s आर 6 3 4s आर 12 एंड 3 3s आर 9 अगेन 3 के टेबल से 3 8s आर 3 1s आर फिर 3 के टेबल से 3 27s आर अगेन 3 के टेबल से तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 3 9s आर 3 3s आर और 3 1s आर ये आपके पास टोटल 6 3 आ गए 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 एंड 3 हमने क्यूब रूट ले रहे हैं तो हम इसके 3 3 के पेयर्स बना देंगे यानी 3 एक जगह पे कर दें और 3 एक जगह पे कर दें ठीक है और क्यूब रूट ले लें ये दोनों से कॉमनली कट जाएगा तो आपके पास रह जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 9 तो ये जो 729 है ये आपके पास क्या है कि 9 का क्यूब रूट है 729 इज क्यूब ऑफ 9 ये 9 का क्यूब है क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग करते हैं सी पार्ट सी पार्ट है आपके पास 1080 तो आप इसका एलसीएम ले लें 1080 का 2 पर एलसीएम लें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 540 ठीक है दोबारा इसको जो है 540 को 2 पर डिवाइड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 270 को डिवाइड करें 2 के साथ तो ये आपके पास आ जाएगा 135 अब 2 के टेबल में भी आता 3 में चेक कर लें तो 3 के टेबल से जब आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा 45 को जब आप फिर 3 के टेबल से करोगे 315 3 को करोगे तो 35 और 51 अब बेटा आपके पास देखें 3 2 आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 ही 3 आ रहे हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 1 5 आ रहा है तो यहाँ पर आपके पास 2 का क्यूब है 3 का क्यूब है लेकिन 5 का क्यूब नहीं है कितने 5 कम है 2 5 कम है ठीक है तो 2 5 का क्या मतलब होता है 5 5 का 25 तो अगर हम 1080 को जो है वो चाहते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बने परफेक्ट क्यूब बने तो हम दो काम करेंगे या तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे या फिर इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी शुड डिवाइडेड बाय 5 और मल्टीप्लाई विद 25 टू मेक 1080 a perfect cube
परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें या तो 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बस हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, बस इतना ही बताएंगे। क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 5, उसने कहा कि फाइंड द वॉल्यूम वी, आपने फाइंड आउट करना है, ऑफ अ क्यूबिकल कंटेनर हैविंग ईच साइड इज 9 सेंटीमीटर, यानी 9 सेंटीमीटर की आपके पास लेंथ है। तो आपके पास क्यूब है, तो क्यूब के आपके पास सारी साइड्स इक्वल होती हैं और क्यूब का जो वॉल्यूम है बेटा वो बराबर होता है एल क्यूब के, एल का क्यूब। अब एल की वैल्यू आपके पास है 9, तो 9 का अगर हम क्यूब ले लेते हैं तो ये आपके पास क्या आएगा, 9 क्यूब का क्या मतलब है कि 9 को 3 टाइम्स इटसेल्फ मल्टीप्लाई कर दें। 9 9s are 81 एंड 81 9s are 729 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आपका आ गया। तो द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल कंटेनर इज 729। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबिकल कंटेनर इज 8 लीटर, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ इट्स वन फेस। के आपके पास जो कैपेसिटी है यानी वॉल्यूम है वो कितना है, वो आपके पास है जी 8 लीटर्स, 8 लीटर्स। हमने 8 लीटर्स को जब सेंटीमीटर क्यूबिक में करना है तो आपको आगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में एक हिंट भी गिवन है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो हम 8 को क्या करेंगे, 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास सेंटीमीटर क्यूबिक में आ जाएगा, यानी 8000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ये वॉल्यूम है। हम सबसे पहले लेंथ फाइंड करेंगे, लेंथ फाइंड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका एरिया फाइंड करेंगे। तो जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में भी किया था कि आपके पास वॉल्यूम जो है वो लेंथ यानी एल क्यूब के इक्वल होता है, आपके पास इसकी वैल्यू है 8000 विच इज़ इक्वल टू एल क्यूब। दोनों तरफ क्यूब को ख़त्म करने के लिए आप क्या करें, क्यूब रूट ले लें, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्यूब इससे कट जाएगी, इधर एल रह जाएगा, और 8000 को अगर हम बाय एलसीएम सॉल्व करें, हम इसको लिख सकते हैं 8 multiplied by 1000, और 8 जो होता है 8 इक्वल होता है 2 multiplied by 2 multiplied by 2 2 2 4 4 2 8, और 1000 जो होता है वो होता है 10 multiplied by 10 multiplied by 10, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया 2 का क्यूब into 10 का क्यूब, और इधर भी क्यूब है, ये क्यूब जो है वो कॉमनली इससे कट जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू 2 multiplied by 10 विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब आपने फाइंड करना है एरिया, तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ स्क्वायर। लेंथ स्क्वायर का मतलब है आप 20 का स्क्वायर ले लें, तो 20 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया है उस क्यूबिकल कंटेनर का। क्वेश्चन नंबर सेवन करने से पहले हम एक रूल समझ लेते हैं कि अगर आपके पास कुछ नंबर इस तरह लिखे हों कि फर्स्ट नंबर का भी क्यूब है, सेकंड नंबर का भी क्यूब है, और इस तरह बेशुमार नंबर हैं, एन नंबर्स तक आपके पास चल रहे हैं, तो ये ओवरऑल बराबर होता है 1 plus 2 plus 3 plus up to so on, जितने भी नंबर्स होंगे उनको जमा करके उसका हम स्क्वायर ले लेंगे, तो ये इसके इक्वल होता है। ये रूल आप लोगों ने याद में रखना है कि अगर क्यूब हो
तो क्यूब दरअसल सबके नंबर्स के सम के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है, तो ए पार्ट आपके पास लिखा हुआ है 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो उस रूल के अकॉर्डिंग ये इक्वल होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है जी। तो 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10 10 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 15 स्क्वायर, एंड दिस इज़ इक्वल टू 15 का जो स्क्वायर है वो 225 के बराबर होता है। तो ये आपका आंसर है, इसका बी पार्ट आप लोग खुद करेंगे। यहाँ तक आज आपका लेक्चर था, किसी कोई प्रॉब्लम हो तो सर कामिल से रब्ता करें और मुझे बता देंगे।